एसएनजी स्कूल के ऑडिटोरियम में श्री नारायणा गुरु धर्म समाजम की विशेष बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 2023 से 2025 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। साथ ही विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन शिव मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा भी की गई। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम की विशेष बैठक स्कूल ऑडिटोरियम में की गई। साथ ही 2023 से 25 तक नई कार्यकारिणी का गठन भी यहां पर किया गया। कार्यकारिणी के नवपदस्थ पदाधिकारियों को शपथ भी यहां दिलाई गई। बता दें कि स्कूल प्रांगण में विशाल मंदिर भगवान शिव का निर्माणाधीन है, इसे लेकर भी पदाधिकारियों से चर्चा कर सहयोग की अपील की गई। समाजम द्वारा सर्वसम्मति से महासचिव चुने गए सुनील कुमार ने बैठक को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन शिव मंदिर के निर्माण को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। मैडम, आज जो है हमारा 2023 और 25 का जो नया कार्यकारिणी समिति है उसका गठन हुआ है, उसका शपथ ग्रहण समारोह था। और उसी शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ जो हमारा आज मंदिर निर्माण मुख्य उद्देश्य है, जो भिलाई दुर्गिनी वरन छत्तीसगढ़ में पूरा ऐसा शिव मंदिर देखने को नहीं मिलेगा ऐसा हमारी उम्मीद है, उसके निर्माण के लिए भी हम लोग ने आज लोगों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा आगामी शिवरात्रि जो कि फरवरी में होने वाली है, तब तक मंदिर का लोकार्पण की तैयारी की जाएगी। जो हमारा जो अभी जो बात हुआ है हमारे जो आर्किटेक्ट है इन सबसे, ये बात हुई कि हमारा ये जो शिवरात्रि है हम इस नए मंदिर पे ही मनाएंगे ऐसा हमारा उम्मीद है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, भोलेनाथ ने चाहा और उनका आशीर्वाद रहा और गुरुदेवन का आशीर्वाद रहा, तो निश्चय ही शिवरात्रि हम लोग हमारे नए मंदिर पे ही मनाएंगे। वही महासचिव सुनील कुमार ने ये भी कहा कि भगवान शिव सबके हैं, इसलिए सभी बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। मैं जिस तरीके का जो मंदिर बन रहा है उसका जो कॉस्ट है, जो ये केरल से पत्थर का पूरा काम बनकर आ रहा है, वहीं से सारे कारीगर आ रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हम लोग को बर्डन है। तो समाज के साथ साथ हम लोग अन्य संगठन के लोगों को भी एकत्रित कर रहे हैं कि जो हमको सहायता के रूप में, राशि के रूप में, कुछ सामान के रूप में जैसा देना चाहें हम उधर से अपना दान करें और मंदिर निर्माण में सहयोग। जी जी, मैं मैडम हर मैंने शिव जी जो है वो किसी सबके हैं, भोलेनाथ जो है सबके हैं, गुरुदेवन जो है उनका एक ही चीज़ है, एक जात एक धर्म और एक भाषा करके है, तो उसके आधार पे हमारा वो चीज़ है। हम जाति भेद या किसी तरीके से इस तरीके का नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। तो हम सभी समाज से, सभी संगठनों से हम अपील करेंगे कि आए और हमारे मंदिर का दर्शन करें, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं, जो शर्मा जी, उनका भी भिलाई दुर्गिनी बल्कि देश विदेशों में भी उनका अच्छा नाम है, क्योंकि उनके पूजन करने का तरीका वो सब लोगों को, यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो इसलिए सावन मास में भी उनका बहुत अत्यधिक हमारे यहाँ भीड़ रहती है। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि आपको कुछ अमाउंट हम लोग फिक्स नहीं किए, जैसा जो जम जाए उस तरीके से मुक्तान से दान करें। बहरहाल बैठक में विस्तार से यहां पर चर्चा की गई। समाज को आगे बढ़ाने के साथ ही मंदिर का निर्माण जो भव्यता से यहां पर किया जा रहा है उसके निर्माण के लिए भी सहयोग की अपील सभी से बढ़ चढ़ करने की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।